बताइए, मदद के लिए आगे पप्पू यादव आए थे बिहार में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी के कार्यालय से 50 ढक के रखी गई एम्बुलेंस से पर्दा हटा दिया। हाय हाय, इस गुनाह में बेचारा आज जेल चला गया। ये सरकार और इसमें बैठे हुए इनके मुखिया इतने बेशरम लोग हैं। हमने आज तक एक ही बात सुनी थी और देखी थी कि आपदा की घड़ी में एक दूसरे के बैरी भी एक दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाते। बाढ़ के समय जब बाढ़ का पानी बढ़ता है तो किसी चट्टान पर, किसी वृक्ष पर, किसी दीवाल पर चढ़ के सांप भी छुप जाता है, चूहा भी छुप जाता है, उसी पे बाज भी बैठ जाता है, उसी पे चिड़िया भी बैठती होती हैं, उसी पे मनुष्य भी होता है, कोई किसी को नहीं डसता। ये पहली बार नया फार्मूला भारत में दिया गया कि आपदा को अवसर बनाओ, और आपदा को अवसर बना दिया गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब को कोरोना के नाम पर और भेज करके हॉस्पिटल में, और इस तरह से व्यवस्था दी गई कि वो चले गए। छोटा राजन, उनकी व्यवस्था होगी एम्स में, उसी तिहाड़ जेल से वो एम्स से आएंगे और अपना इलाज करा के सकुशल एम्स वापस लौट जाए, तिहाड़ वापस लौट जाएंगे। और शहाबुद्दीन को दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल भेजा जाएगा जहां वेंटिलेटर की सुविधा भी उन्हें न दी जा सके। अभी आजम खां के जान के लाले पड़े हुए हैं, लाया गया है उठा करके लखनऊ, और ताना बाना जैसा बनाया जा रहा है, मुझे लगता है अब ज्यादा समय नहीं लगना है। उनके लिए भी सारी योजनाएं लगता है पहले से प्लान कर ली गई हैं। लेकिन इस हुकूमत से बड़ी भी कोई हुकूमत है और कोई हाकिम है? इन पापों का हिसाब जो दुनिया में लोग अभी नहीं ले पा रहे हैं, उसका हिसाब वो लेगा। और ये जो पाप इस आपदा की घड़ी में अपने विरोधियों के लिए जो तमाम कठिनाइयां पैदा करके उनके साथ उनके जीवन तक के समाप्त कर देने की साजिश करके, और जो जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार हैं, जो आपदा के कारण अपनी कमियां हैं उसको छुपाने के लिए, मूल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किस किस तरह की पागलपन की बात कही जा रही है। जहां छुट्टा मवेशी रखे जाएंगे वहां थर्मामीटर रखा जाएगा कि उनका ऑक्सीजन ना पा जाए, उनका स्वास्थ्य चेक किया जाए। जहां इंसान मर रहा ऑक्सीजन के बगैर, उस इंसान को ऑक्सीजन मुहैया हो उसको वेंटिलेटर की सुविधा दे दी जाए। उस मरने वालों की सही संख्या तो कम से कम बता दी जाए, कुछ नहीं। इतनी बड़ी बेईमानी तो शायद सृष्टि के रचयिता ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे लोग भी बैठ जाएंगे जो विपत्ति काल को अपने लिए अवसर बना लेंगे कि इस अवसर से अपने विरोधियों को उनका खात्मा करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं।